देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला जो पार्ट है वो तो था जनरल प्रिंसिपल्स, और उन जनरल प्रिंसिपल्स में भी 5 से लेके 37 तक का जो पार्ट था वो था दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज के लिए रूल्स थे, कंडीशंस थी। कोई मैंने बताया था कोई ड्राफ्टिंग कर रही हो या कुछ कर रहे हो तो उसके लिए काम आता है, ये कहाँ था। और अभी जो है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोड्स हैं। क्या चीज है? मोड्स, तरीके, ट्रांसफर के मोड्स हैं। क्या चीजें हैं? ट्रांसफर के मोड्स हैं, तरीके हैं कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे किया जाए। तो ये जो मोड हैं वो हैं 6 मोड्स जो टीपी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जिस मोड की बात करते हैं वो है सेल, सेल बेचना, विक्रय, कानूनी भाषा में विक्रय और वैसे सेल। तो सेल में दो पार्टी होती हैं, सेलर और बायर। तो सिर्फ आपसे जो पूछे जाने की स्थिति है कि एक तो सेल की डेफिनेशन जो 54 में दे रखी है, और खास तौर से ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के संबंध में दे रखी है। तो लिख दिया कि भाई 100 रुपये से अधिक के मूल्य की कोई वस्तु है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका जो ट्रांसफर रजिस्टर्ड होगा कैसा होगा? रजिस्टर्ड होगा। लेकिन 100 रुपये से कम के मूल्य की प्रॉपर्टी है तो आप उसे दे दो, हैंडओवर कर दो, तो हैंडओवर करके भी ट्रांसफर किया जा सकता है। या आप चाहो तो रजिस्ट्री कराते हो तो वो एडिशनल बात है। तो ये सेक्शन है 54, एक बार पढ़ लो आप। आपने देखा होगा कि सेल में लोग अधिकतर दो काम करते हैं। एक तो आपने एक होता है एग्रीमेंट, लोग कहते हैं ना यार वो प्रॉपर्टी का हमारे एग्रीमेंट हो गया, तो वो बोलते अधूरा है वो, मतलब असली तौर पे एग्रीमेंट टू सेल हो गया, क्या हो गया, लेकिन बोलते कितना है, सिर्फ इतनी, एग्रीमेंट टू सेल। क्या चीज? एग्रीमेंट टू सेल। एक होता है सेल, सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? सेल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, सेल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है कि अभी एग्रीमेंट हुआ है, वी आर रेडी टू सेल एंड वी आर रेडी टू परफॉर्म बोथ द पार्टीज अवर ड्यूटीज। सेलर और बायर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हम हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, बट इट इज नॉट सेल। एक है एग्रीमेंट टू सेल और एक है सेल, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में इन फ्यूचर कुछ कुछ लाइबिलिटीज, कुछ कुछ दायित्वों को पूरा किया जाना है, कुछ कुछ दायित्वों को पूरा किया जाना है। जबकि एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में दायित्व पूरे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लाइबिलिटीज हैज बीन कंप्लीटेड। दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो लाइबिलिटीज कर सकते थे वो सब पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, 54 पढ़ लो, 54। अच्छा, एक सेक्शन है 55, ये इसमें से आने की संभावना कम होती, लेकिन एक बार आप रीडिंग जरूर करिएगा। इसमें सेलर और बायर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में दे रखी है। जैसे सेलर कोई से चीज सेल कर रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो तब तक प्रॉपर्टी को अपने पास रखे रखे जब तक कि आप पेमेंट नहीं दे देते। बायर का ये दायित्व है कि वो पेमेंट दे। इसी तरह के राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे हुए हैं जिसमें समझाने योग्य कुछ नहीं है। आप एक बार
बेरेक से जस्ट रीड कर लो, और जो राइट एंड ड्यूटी आपको ऐसा लगे कि ये इसमें नहीं आता, मेंस में जरूर आ जाता क्वेश्चन, प्रीलिम्स में नहीं आता, फिर भी आप पढ़ डालो इसको एक बार। एक्सचेंज में क्या, प्रॉपर्टीज का एक्सचेंज है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, मेरी 50 लाख की है, हम 50 लाख का लेन देन बराबर कर रहे हैं पैसे देकर, उसे एक्सचेंज कहेंगे। एक्सचेंज 118 में है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट नेस्ट है, एक्सचेंज बाद में पढ़ा देंगे, बाकी मैंने तो सिर्फ एक्सचेंज को सेल के साथ में जोड़ा है कि डिफरेंस आता है मेंस में लिखाने के लिए, एक्सचेंज का और सेल का डिफरेंस पूछता है वो, कई बार आया है मेंस में, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज, एक नहीं है अलग अलग है। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए वो है सेक्शन 58 मॉर्गेज। 58 में सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, तो पहला इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? है ये हित का अंतरण है, किस चीज का अंतरण है? अब क्या आप ये जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट या हित क्या होता है जानते हैं? इंटरेस्ट या हित का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी में आप अपने किसी राइट को, इंटरेस्ट का मतलब एक तरह से राइट है, किसी राइट को दूसरे को दे रहे हो। जैसे सपोज यू ट्रांसफर्ड योर राइट टू एंजॉयमेंट, तो आपने उस प्रॉपर्टी के राइट को दे दिया। ऐसे ही एक शब्द है ना भोग बंधक, यूजु फ्रैक्चरी मॉर्गेज, उसमें क्या करते हो कि आपने अपना राइट किसी दूसरे को दे दिया। तो यहां डेफिनेशन का पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का अंतरण है ये। कोई आदमी हित का अपने का अंतरण क्यों कर रहा है, कोई आदमी अपने हित का अंतरण क्यों करेगा? दूसरी बात है इंपॉर्टेंट कि हित का अंतरण या इंटरेस्ट ट्रांसफर इंटरेस्ट इसलिए किया कि कोई लायबिलिटी है। क्या है? कोई लायबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने 50,000 रुपये आपसे ले रखे हैं पहले ही, आप कह रहे पैसे दो सर, मैं यार है नहीं मेरे। चलो आप जब तक तो नहीं दे रहे तब तक मैं कैसे मानूं आप अपना घर मेरे को मॉर्गेज कराओ, तो मैं किसके लिए दे रहा हूं, लायबिलिटी है 50,000 रुपये की। एक बार डेफिनेशन तो पढ़ लो आप लोग, डेफिनेशन 2 लाइन की है, पढ़ ली, पढ़ लो एक बार जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पढ़ लिया? या कोई डेट है, ऋण, या कोई आर्थिक दायित्व तो है, और कोई और इकोनॉमिकल लाइबिलिटी है, इसके बदले ही दिया जा रहा है। पर देखा जाए ना तो एक तरह से इसको और ब्रीफ करें कि तो या तो ये डेट है ना? हाँ, चौथी बात कोई प्रॉमिस है, वचन, इनके लिए ही किया जाता है। चार बात है, कोई लायबिलिटी है, डेट है, कोई इकोनॉमिकल लायबिलिटी है, या प्रॉमिस है, इनके लिए ही बंधक होता है। देखा जाए तो ये दो भी कहे जा सकते हैं, एक तो लायबिलिटी है ना, ये तो लायबिलिटी में ही आ गया, आर्थिक दायित्व भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। तो एक तरह से लायबिलिटी, डेट और प्रॉमिस, क्या चीज हो गई, लायबिलिटी, डेट और प्रॉमिस, तीन के लिए बंधक करता है कोई आदमी। लायबिलिटी बोलो, प्रॉमिस,
इसको भी हटा देते हैं अपन, यही लेते हैं। इनके एग्जाम्पल से समझो पहले। प्रॉमिस के संबंध, बाकी तो आपके समझ में आ गया होगा। प्रॉमिस के संबंध में मैंने कह दिया किसी से, यार पैसा है ये ना देगा ना पैसा, तो मैं देने के लिए तैयार हूं, तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया। फिर इन सब चीजों के लिए, लायबिलिटी के लिए, डेट के लिए, प्रॉमिस के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी दिया, क्या दिया? अब दो चीजें हैं प्रॉपर्टी के संबंध में, कि आपने, ये दो तरह से हो सकता है, विद पजेशन, विदाउट पजेशन और विदाउट। कब्जा, सकब्जा, कब्जा सहित और बिना कब्जे के, ठीक है? क्या मॉर्गेज बिना कब्जे के होता है? आप घर के लिए, मकान के लिए लोन लेते हो ना, वो मॉर्गेज ही है, रहते तो खुद ही हो ना, लेकिन पैसे तो ले रखे ना। और इस तरह के, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कुछ भी कहो, इसमें दो पार्टी होती हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, दो पार्टी होती है, बंधक कर्ता और बंधक ग्रहीता। आपसे डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी डेफिनेशन सही है नहीं है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी पे पूछ सकता है, और इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मॉर्गेजर मॉर्गेजी के बीच में, उसे मॉर्गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। टी साइलेंट रहती है इसमें, टीवी है। अब देखो ये छह टाइप का है, पहला सादा, सशर्त, भोग, अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद है अंग्रेजी भी लिखता हूं, मैं तो इसको सादा सरल भो अंग्रेजी हक ब्लेक लक्षण ऐसे याद कर रखा है। सादा का मतलब है सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल, ओनोमोलस, एनोमोलस, समझ में आएगा? ये है इसके टाइप। कभी कभी आपसे टाइप ही पूछ लेता है, कितने प्रकार का होता है, छह का होता है, पांच का होता है, चार का होता है, ऐसे टाइप पूछ सकता है। एक इनकी डेफिनेशंस में से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सादा बंधक किसे कहते हैं, सिंपल मॉर्गेज क्या है, डेफिनेशंस में से कि सही कौन सा है। अब इनकी डेफिनेशन समझ लो, ये आगे से हटा दूं क्या? देखो एक क्वेश्चन मॉर्गेज में आएगा ही आएगा, मॉर्गेज का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देखो ये क्या करता है, बंधक संपत्ति का कब्जा दिए बिना, मतलब खुद ही प्रॉमिस करता है कोई आदमी कि नहीं जी मैं पेमेंट चुका दूंगा। आपने देखा ना बैंक के लोन लेते हैं बहुत सारी जगह 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 साइन करते हैं, वो पूछता है घर आपका अपना ही है क्या? हाँ मेरा ही अपना है, लेकिन वो आपके घर को मॉर्गेज नहीं करता, लेकिन एक जगह आपसे एक प्रॉमिस ले लेता है। क्या ले लेता है? और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, प्रॉमिस है ना। तो सादा बंधक की डेफिनेशन पढ़ो फटाफट।
प्रॉमिस टू पे डेट पर्सनली, इसमें पर संपत्ति नहीं देता, संपत्ति का कोई कब्जा नहीं होता, लेकिन संपत्ति का जिक्र होता है। समझ में आ गया? दूसरा, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब है कि इसको सशर्त विक्रय भी बोलते हैं, कंडीशनल सेल। इसे सशर्त विक्रय बंधक भी वो कह सकते हो ना। मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल क्या कह सकते हो जैसे? मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल का मतलब क्या है? मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल का मतलब क्या है? देखो, हमने चीज तो बेच दी, लेकिन हम पेमेंट कर देंगे ना तो चीज वापस आ जाएगी। एक लॉर्ड डेवी हुए, लॉर्ड डेवी, तो लॉर्ड डेवी ने कहा था, वंस मॉर्गेज इज ऑलवेज मॉर्गेज। लॉर्ड डेवी वॉज ए जज, ए जूरिस्ट। उन्होंने एक केस में कहा था कि वंस मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, नॉट मोर देन इट, नेवर मोर देन इट। इससे अधिक कुछ भी नहीं है ये, और कभी भी नहीं है। मतलब यह है कि लग रहा है सेल है, बट इट इज नॉट सेल। सेल नहीं है ये, मतलब पैसे चुकाकर वो सेल जैसी लग रही है वो खत्म हो जाएगी। ये है मतलब इसका। पढ़ो एक बार आप अपने अपने नोट्स में, वो उसमें पढ़ लो, डायरेक्ट में पढ़ो। पढ़ लिया? तीसरा है यूज ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूज ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि भोग बंधक बोलते हैं, आपको भोगने का अधिकार तो है, लेकिन क्या अधिकार नहीं है? पजेशन दे दिया, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फिर। मतलब आप अपने धन पर इंटरेस्ट भी ले रहे थे, तो इंटरेस्ट के बदले भाई मेरे पास पैसे ब्याज के तो है नहीं, तुम अब मेरी जगह ले लो, उससे जो भी आ रही हो तुम अपना इंटरेस्ट चुका लेना और अब यूज कर लो। उसको बोलते हैं यूज ऑफ फ्रैक्चरी या भोग बंधक। गांव में दे देते ना, जैसे खेत है, बोले यार मेरे को 50,000 रुपये दे ना, बोले 2 बीघा खेत दे दे, 2 साल तक मैं फसल मेरी, और तेरे पैसे 50,000 ही चुका देना मेरे को, तो मैं तेरे को वापस दे दूंगा। कितने भाई वापस दे रहा है? 50,000 रुपये वापस दे रहा है। पढ़ लिया? अब देखो नेक्स्ट है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज लगभग ऐसा ही है जैसे कि सिंपल मॉर्गेज जैसा था, लेकिन इसमें एक डिफरेंट बात है। इसमें मॉर्गेजर भी और मॉर्गेजी एक दूसरे को एक प्रॉमिस देते हैं। कि भाई जैसे ही धन वापस, जैसे ही तुम दे दोगे ना, तो मैं तुम्हें धन दे दोगे। इसमें क्या डेट फिक्स रहती है, इतने तारीख तक, इतने तारीख तक। जैसे सामान्य तौर पर करते हैं ना मॉर्गेज, भैया 50,000 रुपये दे दे इतने दिन तक, बोले उस समय तक नहीं दिए तो चीज तुम्हारी, करते ना वो। इंग्लिश मॉर्गेज है। कौन सा मॉर्गेज? डेट पे देने ही है पैसे, और डेट निकलते ही तो चीज दूसरे की हो जाएगी। सिंपल मॉर्गेज में और इंग्लिश मॉर्गेज में अंतर ही ये है, यहां नहीं होती सिंपल मॉर्गेज में कभी भी। कितने दिन तक नहीं हो सकती? हो सकता है 30 साल पे भी नहीं होगी। यहां पर डेट फिक्स है। इंपॉर्टेंट क्या है? डेट। भैया इतने तारीख तक पैसे नहीं दिए, तो बोले ठीक है चीज फिर आपकी है। हाँ, प्रॉपर्टी अपने पास रहेगी, लेकिन बिक गई वो एक तरह से। डेट पर दाम नहीं दिए तो, और डेट पर दाम दे दिए तो प्रॉपर्टी चली जाएगी वापस।
समझ में आ गया जी? चारों मॉर्गेज समझ में आ गया क्या? अब कौन से बचे? टाइटल डीड्स वो होते हैं जहां डीड रख के आ जाते हो ना, बैंक रखवा लेती है आपसे, चलाओ सरकारी पेपर, वो ओरिजिनल पेपर ले आओ, उसे मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स बोलते हैं, जहां आप क्या करते हो उनके पेपर्स को ही दे देते हो, उसे बोलते हैं मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स। घर के पेपर रखते हैं, अब क्या है ये, शुरू शुरू में तो स्टेट गवर्नमेंट, पहले सिर्फ महानगरों में ही चलता था ये, अब इसमें काय में आ गया, छोटे शहरों में भी आ गया, सब जगह चल रहा है। पहले छोटे से छोटे में भी लोन ले रहे हैं ना सर लोग, बैंकों से लोन ले लेके, लेकिन गांव में नहीं है अभी ये, गांव के मकान बनाने के लिए थोड़े पैसे मिलते हैं, मिल जाते हैं, गांव में तो मकान के पेपर ही नहीं होते हैं। वो बनाने लग गए बैंक से लोन वोन लेने के लिए, लेकिन ये महानगरों के लिए उनके लिए ही था ये टाइटल डीड्स। और एक है विलक्षण बंधक, एनामोलस, विलक्षण सारे लोग बना लेते हैं, अपनी अपनी शर्तें डालते जाते हैं तो वो विलक्षण हो जाता है, जिसमें किसी की कंडीशन फिक्स नहीं होती है, ये भी डाल दो ये भी डाल दो, तो वो उसको बोलते हैं एनामोलस, कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, डालते जाओ जो हमने मन में आई। एनामोलस ही सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये वाली भी डाल देना यार कंडीशन, ये वाली भी है, तो वो कई कई मॉर्गेज की कंडीशंस डाल देते हैं। तो 58 में मॉर्गेज की डेफिनेशन, साथ में मॉर्गेज के प्रकार आप लोगों ने अभी पढ़ लिए। मॉर्गेज चूंकि सर्वाधिक ट्रांसफर करता है चीजों को, अब देखो 59 एक सेक्शन, कौन सा 59, ये बताता है कि मॉर्गेज की रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। 100 रुपए से अधिक के मूल्य का मॉर्गेज है तो, मॉर्गेज में रजिस्ट्री आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है, मतलब रजिस्ट्री कब 100 रुपए से अधिक है तो, लेकिन लेकिन ये जो हक विलेख, वो हक विलेख वाला ना टाइटल डीड्स, उसमें रजिस्ट्री नहीं होती। बैंक है आपसे वैसे ही साइन करा लेती, वो करा लेती है बहुत सारे पेपर्स पे, और पेपर्स लेकर और आपको लोन दे देती है, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं कराती है। क्यों नहीं कराती? प्रोविजन ही है 59 में, क्या है प्रोविजन दे रखा है 59 में ऐसा। एसी लग जाते, वहां लगाने की दिक्कत हो रही थी, बाद में थोड़ी देर में समझ में आया कहाँ लग जाए, यहाँ आउटडोर रखे जा सकते हैं बाहर, मतलब यहां से तार निकाल के यहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा। राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, क्या है राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम? सेक्शन 60 है ये, इसको मोचन का अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये किसका अधिकार है?
अरे मोचन का नहीं, मॉर्गेजर का। क्या पूछ रहा है? इसे मोचन क्यों कहते हैं? मोचन का अधिकार, सेक्शन 60। क्या मतलब है इसका? पढ़ो सेक्शन 60 भाई। दाम दे दो, पैसा, प्रॉपर्टी ले लो, ये राइट है। पढ़ लिया तो देखो इसका समझ में आया कि जब भी कोई, ये मॉर्गेजर का राइट है। मॉर्गेजर जैसे ही अपनी जो प्रॉमिस की थी उसने उसको प्रॉपर प्रॉपर पूरा कर देता है, या डेट जो लिया था उस डेट को जमा करा देता है, तो मॉर्गेज मॉर्गेजी एक एक्नॉलेजमेंट लिखता है। क्या लिखता है? एक्नॉलेजमेंट लिखता है, और उसमें ये लिखता है कि अब मेरा कोई राइट इनकी प्रॉपर्टी पर नहीं है। इसी में कहा, एक केस था राइस वर्सेस नॉक्स, पुराना केस है, इंडिया का नहीं है। राइस वर्सेस नॉक्स, इसी में कहा था लॉर्ड डेवी ने, वंस मॉर्गेज इज ऑलवेज मॉर्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक। और जो भी हक विलेख टाइटल डीड्स वगैरह लिए हो सब वापस दे दो, जो भी आपने लिए हैं वो सब वापस दे दो। पढ़ लिया? एक सेक्शन है 67, तो 67 इसका जस्ट अपोजिट है। 67 किसका? हाँ, मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध है ये, राइट टू फोरक्लोजर और सेल। समझ में आया? इसी को बोलते हैं राइट टू फोरक्लोजर और सेल। राइट टू फोरक्लोजर और सेल मतलब जैसे हमने तो कोई संपत्ति दी, जैसे अंग्रेजी बंधक में थी, इतने तारीख तक फिक्स है, नहीं दिए दाम तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। लेकिन 67 की एप्लीकेशन कोर्ट में लाएगा तो क्या करेगा कि उसके मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाएगा, इसलिए प्रोबंध का अधिकार बोलते हैं इसको। तो जो राइट टू रिडीम था वो रिडेम्पशन का राइट खत्म हो जाएगा। बोले अब तुम्हें राइट नहीं है रिडेम्पशन का, लेकिन तब तक आप नहीं लाए ना कोर्ट में 67 की एप्लीकेशन, तब तक बना रहेगा। कोर्ट में जितनी भी बैंकें और ये करती है ना, तो वो 67 की ही एप्लीकेशन के अंतर्गत के साहब ये अब इसके राइट को रोक दिया जाए, अब प्रॉपर्टी हमारी कर दी जाए। ये